नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल पे नॉइज पे। एरोप्लेक्स का कुछ दिन पहले एक आईपीओ आया है और आईपीओ आने के बाद उसका हाई प्राइस देखते तो 196 रुपीज के आसपास था। एरोप्लेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर एक आईपीओ आने के बाद जबरदस्त रिटर्न बना और शेयर में जो है इसका लो प्राइस बनाया था लगभग 140 रुपीज के आसपास। स्टॉक अभी 152.10 पैसे में चल रहा है, 152.10 पैसे के आसपास शेयर अभी चल रहा है। शेयर में तेजी बन रहा है वही आईआरएम एनर्जी के भी कुछ दिन पहले आईपीओ आया था, उसके बाद अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर्स एक जबरदस्त डिमांड देखने को मिला था आईआरएम एनर्जी के शेयर में। एक वोलेटिलिटी भी बना था आईआरएम एनर्जी के शेयर में, स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बना था और उसके बाद शेयर लगभग 400 के नीचे जो है आईआरएम एनर्जी के शेयर पहुंच गया था। फिर से अभी शेयर तेजी बना है और 500 के ऊपर शेयर अभी चल रहा है। इस वीडियो में हम लोग दोनों ही शेयर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर और आईआरएम एनर्जी का शेयर, दोनों ही शेयर को लेके बात करने वाले, डिटेल्स में देखने वाले हैं क्या चल रहा है दोनों शेयर में। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पी नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो यहाँ पे एरोफ्लेक्स के शेयर में एक दिन में 2.9% का जो गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो एक हफ्ते के अंदर 6.1% का इसने रिटर्न दिया है और एक महीने में 6.4% का गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है एरोफ्लेक्स के शेयर में। देखिए इसका आईपीओ आया था, एक बहुत ही मतलब बोल सकते कि ज़बरदस्त कंपनी है फंडामेंटली। एक महीने का इसका जो हाई प्राइस था वो था 165.50 पैसे का और लो प्राइस था 140.90 पैसे का। एक हफ्ते का जो इसका हाई प्राइस था 152.50 पैसे का, जो लो प्राइस था 140.90 पैसे का। तो यहाँ पे एक महीने का हाई प्राइस था 165 रुपीस का और एक महीने का इसका, एक हफ्ते का इसका हाई प्राइस 152.50 पैसे का। तो शेयर में यहाँ पे थोड़ा गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था। अभी यहाँ पे टेक्निकली देखते हैं शेयर कैसा है। देखिए एरोफ्लेक्स का शेयर जो है अभी यहाँ पे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रियल शेयर फिलहाल यहाँ पे एक 42 लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे, ना कि ओवर सोल्ड लेवल पे। मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है मतलब बोल सकते कि जो है एक 42 लेवल पे चल रहा है शेयर। अभी एरोफ्लेक्स का थोड़ा यहाँ से गिरावट बना सकता है, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे तेजी बनेगा। बीएससी और एनएससी मिला के एक दिन का एवरेज देखते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर का, जहाँ पे 429.8K का है, डिलीवरी परसेंटेज 50.8% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 218.1K का है। एक हफ्ते का बीएसएनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 643.1K का, डिलीवरी परसेंटेज 43.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 279.5K का है। एक महीने का बीएसएनएससी मिला के एवरेज है 643.3K का, डिलीवरी परसेंटेज 52.9% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 340K का है। देखिए अभी एरोफ्लेक्स के शेयर में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, वही डिलीवरी वॉल्यूम जो है यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। एरोफ्लेक्स का दोस्तों जो प्रमोटर्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स के पास 66.99% का स्टेक है, FIS के पास 1.13% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 4.13% का स्टेक है, माफ कीजिए 4.31% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 2.48% का स्टेक है, पब्लिक के पास 25.09% का स्टेक है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर आईपीओ आने के बाद एक अच्छा खासा डिमांड हम लोग को देखने को मिला है। बहुत सारे बोल सकते कि इसमें जो है कुछ बोल सकते कि बल्क डील्स जो है वो देखने को हम लोग को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं 166 के आसपास, जो 166.60 पैसे के आसपास ये शेयर को पहले बेचा गया है और उसके बाद ये जो है ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल से हुआ है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा प्राइस में जो है शेयर को खरीदा गया है जो कि 167 रुपीज़ में। तो यहाँ पे इन लोगों ने अच्छा खासा जो है बोल सकते कि मुनाफा लिया है। वही इसके पहले भी देखेंगे तो मतलब बल्क डील जो हुआ था 165.20 पैसे में और 165 में जो इसको बेचा गया था, मतलब बहुत सारे बोल सकते कि इसमें जो है बल्क डील हम लोग को देखने को मिला है एरोफ्लेक्स के शेयर में। बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च फॉर्म हैं, उन लोगों ने ये सब बल्क डील्स किया है। तो अभी यहाँ पे एरोफ्लेक्स का देखते हैं हम लोग जो बोल सकते हैं कि इसका एक दिन का जो लो प्राइस है वो है 147.90 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है 152.50 पैसे का। तो आप देख सकते हैं शेयर यहाँ पे ओपन होने के बाद एक ज़बरदस्त इसमें तेजी बना है और उसके बाद देखेंगे तो शेयर अभी जो है लगभग 152.10 पैसे के आसपास चल रहा है या फिर 152 के आसपास चल रहा है। 52 का जो इसका लो प्राइस है 140.90 पैसे का और जो 52 का हाई प्राइस है 196.35 पैसे का। तो 196.35 पैसे का इसका 52 का हाई प्राइस है। टेक्निकली ये जो शेयर है एरोफ्लेक्स का
अभी स्ट्रॉन्ग बाई में चल रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा चीज है टेक्निकली, अगर आप देखते हैं शेयर जो अभी स्ट्रॉन्ग बाई में चल रहा है अभी, मतलब इसमें अगर देखते हैं तो बहुत, मतलब बोल सकते हैं कि खरीदारी तो फिलहाल उतना नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जो इसमें सेल भी किया है, तो शेयर थोड़ा यहाँ से अगर गिरावट भी बनाता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक इस स्टॉक में जो है बोल सकते हैं कि एक बाउंस बैक जो है देखने को मिल सकता है। तो आईआरएम एनर्जी के शेयर में क्या चल रहा है, आईआरएम एनर्जी का शेयर जो कि बोल सकते हैं कि आईपीओ आने के बाद अगर देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है इसमें पैसा लगाया था आईआरएम एनर्जी के शेयर में। सबको लग रहा था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये इस कंपनी का शेयर जो है एक अच्छा खासा बोल सकते कि रिटर्न जो है आगे चल के दे सकता है आईआरएम एनर्जी का शेयर, और उसके बाद जो है शेयर में हम लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था। शेयर उतना कुछ खास तेजी नहीं दिखाया, अभी यहाँ पे देखेंगे एक दिन में 0.2% के आसपास गिरावट बनाया इस शेयर ने, एक हफ्ते में 17.7% का रिटर्न दिया इस शेयर ने, और एक महीने में 17.4% का जो रिटर्न देखने को मिला है आईआरएम एनर्जी के शेयर में। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग 3 महीने का देखते हैं या फिर 1 महीने का देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स, जहाँ पे इसने हाई प्राइस बनाया था 564.30 पैसे का और जो लो प्राइस था 451 रुपीज़ का एक महीने में, और एक हफ्ते का जो इसका हाई प्राइस है 564.30 पैसे का और जो लो प्राइस है 462.10 पैसे का, मतलब एक महीने का जो हाई प्राइस है 564.30 पैसे का वही इसका हाई प्राइस है एक हफ्ते का 564.30 पैसे का। टेक्निकली बात करते हैं आईआरएम एनर्जी को शेयर को लेके, जहाँ पे टेक्निकली आप देख सकते हैं ये शेयर जो है एक बेयरिश लेवल पे चल रहा है दोस्तों। आरएसआई इंडिकेटर कह रहे कि जो शेयर है ओवरबॉट लेवल पे, मैकडी इंडिकेटर कह रहे कि जो शेयर है एक बुलिश लेवल बना रहा है। देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में आईआरएम एनर्जी के शेयर को लेके, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी हुआ है। बीएससी से मिला के एक दिन का एवरेज देखते हैं तो 1.4 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 52.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 730.1K का है। वही एक हफ्ते का बीएससी से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 1.4 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 46.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 669.1K का है। एक महीने का बीएससी से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 534.7K का, डिलीवरी परसेंटेज 44.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 239.2K का है। तो जहाँ पे आईआरएम एनर्जी का जो डिलीवरी परसेंटेज शेयर का वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे और वही इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स के ओर से एक बहुत ज़्यादा क्रेज जो है आईआरएम एनर्जी के शेयर में देखने को मिला है। ज़बरदस्त शेयर ने रिटर्न भी दिया था बीच में, और अभी शेयर हो सकता है कि यहाँ से गिरावट बनाए। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर्स के पास 50.07% का स्टेक है, FIIs के पास 1.27% का स्टेक है, और म्यूचुअल फंड के पास 4.81% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.97% का स्टेक है, पब्लिक के पास 36.89% का स्टेक है। तो एक अच्छा खासा बोल सकते हैं कि स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है। तो अभी ये शेयर में क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें लगता है कि आईआरएम एनर्जी का शेयर अगर किसी के पास है थोड़ा ज़्यादा प्राइस में अगर आपने लेके रखा है तो खरीदारी कर सकते हैं, माफ कीजिए होल्ड कर सकते हैं, और अगर किसी के पास नहीं है खरीदारी करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा गिरावट आने दीजिए शेयर में, थोड़ा गिरने दीजिए शेयर, उसके बाद खरीदारी कर सकते हैं। तो जैसे ही इस स्टॉक में आईआरएम एनर्जी के शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट बने उसके बाद खरीदेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। शेयर देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल अभी भी जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल मतलब बाई लेवल पे शेयर अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है शेयर में, बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रहा है। तो जहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रहा है तो हमें लगता है कि वहाँ पे आपको रुकना चाहिए, वहाँ पे आपको थोड़ा समझना चाहिए शेयर में चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा खरीदारी हो रहा है और उसके बाद शेयर अभी यहाँ से गिरावट बना रहा है। तो फिलहाल बोल सकते हैं कि किसी ने अगर आईआरएम एनर्जी का शेयर अभी तक नहीं लिया है तो उनको रुकना चाहिए, शेयर थोड़ा गिरावट बनने दीजिए, उसके बाद आप खरीदारी करेंगे तो उसके वहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर आप खरीदारी करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस देखने को नहीं मिल सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल की नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने।